नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो विजुअल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ ईयरफोन है, जैसे कि ये है मेरे पास रियलमी का, या कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन हो आपके पास, चाहे वो कान में लगाने वाला हो छोटे वाला, दोनों के अंदर माइक होना जरूरी है। तो इन दोनों को हम, या इस टाइप के ब्लूटूथ ईयरफोन को हम किस तरह से एज ए माइक यूज कर सकते हैं हमारी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है अच्छा ऑडियो माइक नहीं होता है, बट हमारे पास ये सब होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उसको कनेक्ट कैसे करना है, किस तरह से यूज होता है उसका। क्योंकि हमारे जो मोबाइल का जो कैमरा होता है उससे नॉइज कैंसिलेशन नहीं होती है, बहुत सारी नॉइज आ जाती है और वीडियो जो ऑडियो अच्छी नहीं लगती है सुनने में या देखने में। इसी का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि अगर आपके पास इनकेस घर में ऐसे ब्लूटूथ ईयरफोन है तो उनको कैसे हम एज ए माइक अटैच कर सकते हैं हमारे मोबाइल के साथ, और कैसे उनसे हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कौन कौन सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी उनके लिए, और कैसे उनको यूज करना है। यही सब सवाल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सिग्नेच करते हैं। तो आपके ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में आपको जाके एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, बीटी मोनो। जी हाँ, बीटी मोनो आपको सर्च करनी है, उसको आपको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद आपको और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो है ओपन कैमरा। जी हाँ, ये ओपन कैमरा से ही कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि वहीं पर ऑप्शन होता है एक्सटर्नल माइक को यूज़ करने का। तो आपका ये एक्सटर्नल माइक है, ब्लूटूथ है, तो उसको अटैच करने के लिए हमें ओपन कैमरे की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आपको क्लिक करना है, तो ये ओपन कैमरा ऐसे आ जाएगा। ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको बीटी मोनो के अंदर जाना है, उसको ओपन कर लेना है। सो इस तरह से उसको आपको ओपन करना है और इसको ऑन करना है। यहाँ पे ऑन ऑफ दो बटन है, मैं इसको देखिए कर लेता हूँ। मैं अभी इसी से रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया है। दोबारा से इसको ऑन करके दिखा दूँ आपको। जब इसको जैसे हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन कलर में, तो इसको आपको ऑन करके छोड़ देना है, बस इतना ही इस एप्लीकेशन में करना है। तो सेकंड आपको जाना है ओपन कैमरा एप्लीकेशन में। ओपन कैमरा एप्लीकेशन आपको सर्च करनी है और उसके अंदर आपको ओपन करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको देखिए ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर टॉप राइट साइड में, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स के अंदर। तो वीडियो सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, नीचे थोड़ा जाके देखिए आपको ऑडियो सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको बाद में वापस आ जाना है और बस इतनी सेकंड सेटिंग्स जो है आपको करनी है और बाहर निकल जाना है। अब आप जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे इसमें आपका जो है ये एक्सटर्नल जो माइक है ब्लूटूथ वाला वही काम करेगा, आपका मोबाइल का जो माइक है वो काम नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको ओपन कैमरा एप्लीकेशन ही यूज़ करना है, उसी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम दोनों एप्लीकेशन जो ओपन कैमरा है और बीटी मोनो है उनको यूज़ करके किस तरह से हम हमारे जो ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही अच्छे तरीके से वॉइस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी नॉइज। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको ऑडियो और वीडियो मिलेगी उसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।